नमस्कार, मेरा नाम निशा ओझा है और आप DTW24 न्यूज़ देख रहे हैं। इस वक्त हम औरंगाबाद ज़िले में हैं और ये औरंगाबाद का सूर्य मंदिर है जो यहाँ खासा चर्चित है। लोग यहाँ पर छठ पूजा करने भी आते हैं। इस साल कोरोना के वजह से सारे जितने भी पर्व त्यौहार थे वो थोड़े फीके पड़ गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी भीड़ होती है, पर आज कोरोना की वजह से कम लोग हैं। इन सब चीज़ सेफ्टी का खासा ध्यान रखा जा रहा है। दुर्गा पूजा का छठा दिन है और यहाँ जितने भी श्रद्धालु हैं वो धीरे धीरे करके आ रहे हैं। ये देव है और देव का ये फेमस सूर्य मंदिर। छठ के वक्त यहाँ पर हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं और ऐसा माना जाता है कि छठ महापर्व यहाँ पे जो भी मन्नत मांगते हैं वो पूर्ण रूप से पूरा होता है। आस्था से लोग यहाँ पे लबरेज होकर आते हैं और अपने मनोकामना को पूर्ण करने के लिए यहाँ पे आते हैं। आप देख सकते हैं कोरोना की वजह से भीड़ अभी काफ़ी कम है और बाहर दुर्गा पूजा का एक मतलब छोटा सा ऐसी बस मूर्ति रख दिया गया है, क्योंकि गाइडलाइंस मिले हुए हैं कि ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं करना है। हम वो भी आपको दिखाएंगे कि वहाँ पे दुर्गा पूजा की जो है वो मूर्ति की स्थापना की गई है। और साथ में बिहार में चुनाव भी है, हम चुनाव को लेकर के ही यहाँ पर आए हैं, तो लोगों से जानेंगे कि देव के लोग यानी कि औरंगाबाद का जो देव है, यहाँ के जो पुजारी लोग हैं या जो मंदिर के बाहर बैठ रहे हैं, उनकी क्या सोच है यहाँ की राजनीति को लेकर के और किसको वो इस बार मुख्यमंत्री पद पर देखना चाहते हैं। तो चलिए और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस साल बिहार का विधानसभा चुनाव कितना दिलचस्प होने वाला है। सूर्य मंदिर के बाद हम आए बाहर और यहाँ पे आप देख सकते हैं नवरात्र का छठवां दिन है और जिसके वजह से यहाँ पर दुर्गा माँ की प्रतिमा रखी गई है। कोरोना को लेकर के गाइडलाइंस है, भीड़ इकट्ठा नहीं करना है, जिसके लिए छोटे छोटे बच्चे जो है ये यहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं। बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कोरोना की वजह से इस साल का दुर्गा पूजा कैसे फीका पड़ गया है। आइए, क्या नाम हुआ? मोहम्मद रुस्तम खान। मोहम्मद रुस्तम, अरे वाह, सबसे पहले बढ़िया एग्जांपल मिल गया। दुर्गा माँ की पूजा है और ये बच्चा मुस्लिम है जो जात पात की राजनीति बताते हैं और जात पात को लेकर बड़ा मुद्दा बनाते हैं। तो देखिए, दुर्गा माँ की पूजा हो रही है और यहाँ पे हमारे साथ मुस्लिम बच्चा है। दुर्गा पूजा का मजा थोड़ा सा फीका पड़ गया ना कोरोना की वजह से। किस क्या आज क्या चीज का यहाँ पे गाइडलाइंस दिया गया है, किस किस चीज को फॉलो करना है? भीड़ भाड़ इकट्ठा नहीं करना है ना। हाँ। तो ये दुर्गा माँ का प्रतिमा यहाँ रखा है, लग रहा है कि भीड़ नहीं होगा? होगा भीड़, काहे नहीं होगा, होगा ना। हाँ। और वोट देते हो कि नहीं, कि छोटे हो अभी? अभी बच्चा है हम लोग, अभी तो बच्चा हो। राजनीति के बारे में कुछ पता है, बिहार की राजनीति के बारे में कोई नेता बताओ? मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। अच्छा, आप छत्तीसगढ़ से हो और नानी के घर से? अच्छा, नानी के घर यहाँ पे आए हो और यहाँ पे दुर्गा पूजा मतलब इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो कुछ? थोड़ा घूमने आया था इधर। ऐसी बस घूमने आए हो? अच्छा, बिहार के लोकल कौन है यहाँ पे? लोकल कौन हो, देव के लोकल कौन हो आप लोग हैं? क्या नाम है? अजय कुमार। अजय कुमार, ये दुर्गा पूजा का छठवां दिन है, बहुत बाजार फीका फीका लग रहा है। कोरोना की वजह से हर जगह पर इस तरह सा माहौल हो चुका है और मेला तो उतना खास करके नहीं लगना लगेगा ही, और ऐसे पूजा पाठ होगा, बाकी हर तरह होता था पूजा पाठ, उतना भीड़ भड़ा का नहीं होगा। हर जगह तो बंद करने का ऑर्डर दिया गया है कि मूर्ति वूर्ति नहीं रखने का, प्रोग्राम नहीं होगा। इस करके हम लोग का भी थोड़ा फंक्शन में थोड़ा गड़बड़ हो गया है, तो क्या कीजिएगा, पूजा पाठ तो करना है हम लोग को, पूजा पाठ तो करना ही है, लेकिन कोरोना की वजह से गड़बड़ हो गया है। सूर्य मंदिर में कैसा भीड़ रह रहा है अभी? सूर्य मंदिर में रह रहा है उतना ही, पर बहुत कम रह रहा है। बहुत पहले जितना छठ पूजा में भी होता था उतना कहाँ हो रहा है छठ पूजा में। म्यूजिक कम कर दो भाई, म्यूजिक कम कर दो। छठ पूजा में जो भीड़ होता था देव सूर्य मंदिर में, दूर दूर से आदमी आते थे आ करके, यहाँ बाहर से कितना दूर दूर से आदमी आते थे। अभी इस कर का कोरोना वजह से तो हमको लगता है मेला भी नहीं लगेगा, अंदाज कमे है, पर तो अभी देखिए सूर्य भगवान का महिमा जो भी है। और ऐसे और इस बार का चुनाव के लिए क्या बोलना चाहेंगे? चुनाव के लिए तो उन लोग तो अपने अपना वोट लेने के लिए सब तैयार है ही है, कोई कमल छाप पर डालना है, किसी को तीर छाप पर डालना है, तो मतलब उन लोग तो अपना अपना भाई राजनीति चला ही रहे। इलेक्शन का माहौल जो है, वोट तो लेना है ही उन लोग का, बाकी इधर कुछ हो या अथवा ना हो उन लोग का कोई फर्क नहीं। काहे विकास के नाम पे देव में कुछ नहीं हुआ है? विकास के नाम पर तो बहुत कुछ हुआ है, पर अभी फिर इसके हाल में कुछ होगा ही, जो जीतेंगे उन लोग करेंगे ही।
कल परसों चौथा रोज आए थे रामाधार सिंह जी, तो बता रहे थे कि देव के विकास के बारे में मतलब होगा, जो भी हमसे जितना बनेगा उतना करेंगे, और आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप लोग आराम से वोट दीजिए, और इलेक्शन का टाइम यही तो देंगे रामाधार सिंह को वोट। कमल छाप पर दे देना है, मतलब आँख बंद करके कमल छाप, इतना अंधभक्ति का है। जिसको देखिए वो आदमी अगला कहता है इस पे कीजिए उस पे कीजिए, पर आपको जिस पे दिल करता है उस पे देना है। हमको मन करेगा कमल पर दे तो हम कमल पर दे। अच्छा, मन करता है कहा होता है, विकास जो करेगा उसको वोट देना है ना। तो विकास विकास आखिर कोई तो करेगा ही, जो जीतेगा वो करेगा ही। अभी जो थे यहाँ पे, अभी यहाँ जो थे वो बढ़िया विकास किए विधायक जी। हाँ, विकास वो किए थे और आगे भी करेंगे, आगे भी करेंगे, उम्मीद है आपको। आप भी यहीं से हैं, देव से ही हैं, क्या नाम हुआ? अमित कुमार। अमित कुमार, पढ़ते हो किस क्लास में? बीए ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन में। बिहार की राजनीति के बारे में कुछ पता है क्या? हम तो वोट देंगे कमल छाप पर। कमल छाप पे क्यों भाई? आनंद शंकर मैं तो जानता भी नहीं था, फिलहाल चुनाव में मैं जानता हूँ आनंद शंकर को, कि हमारे विधायक आनंद शंकर है। मैं कहना चाहता कि कहीं कोई नेता जाता है आता है, देव में कल आए थे राज बब्बर साहब और निखिल कुमार सिंह जो मेरे गांव के पड़ोस के हैं, वहाँ सब भीड़ हुआ पूरा इकट्ठा, जहाँ मन तहाँ के लोग आए। फिर दुर्गा पूजा में पंडाल लगता तो वहाँ कहते हैं भीड़ लगेगा, पूजा साला क्यों है, वहाँ भीड़ लग रहा है, एक दूसरे का हाथ मिला रहे हैं, वैसे कोरोना नहीं बढ़ सकता है। तो पंडाल में प्रशासन माना कि पंडाल में भीड़ लगेगा तो वहाँ का आदमी अलग लगा तो वो भीड़ नहीं कहलाएगा। इसे तो मतलब रैली वैली में भीड़ है तो भीड़ नहीं है, लेकिन दुर्गा पूजा में भीड़ लगाने के लिए भीड़ हो गया, वैसे भीड़ हो गया। वही माना कर रहे हैं कि सिर्फ मूर्ति रखना है, पंडाल वगैरह नहीं लगाना है, ऐसे बोल के गाइडलाइंस देने के लिए देखे गए, भीड़ भीड़ नहीं लगाना है। तो इस चीज़ का यहाँ पे लग रहा है कि फॉलो कर पाएंगे लोग, क्यों मूर्ति रखी हुई है तो लग रहा है कि लोग नहीं आएंगे, ऐसा मान सकते हो? देखिए ये तो हिंदू धर्म का पूजा है दुर्गा पूजा, ये तो लोग आएंगे ही, क्योंकि साल में एक बार होता है 10 दिन, हर शाम को दिया जलता है, तो पूजा मनोकामना पूर्ण करवे करेंगे। ये रहा राजनीति के बाद, यहाँ के मतलब जगह जगह से लोग आते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, तो उसे भीड़ लगता है। ये मालिक कांग्रेस किया भाजपा पवार, भाजपा किया कांग्रेस पवार, ये है दुर्गा पूजा। दुर्गा में तो भीड़ लगवे करेगा, हिंदू तो लोग आए में करेंगे, अपना आस्था तो जगह पर करेंगे, उसलिए भीड़ है। बाकी जो नेता अलग अलग आएगा वो लेके भीड़ नहीं है। सही बात है, मतलब दुर्गा पूजा के लिए है भीड़ भाड़ लगाना गलत है, और रैली के लिए भीड़ लगाना कोई गलत नहीं। आपका नाम क्या हुआ? राजकुमार गुप्ता हुआ। क्या लग रहा है, मूड क्या है देव के जनता का? हम लोग विकास के ऊपर ही वोट देंगे, और यहाँ पहले भी रह चुके हैं, यहाँ से रामाधार सिंह सहकारिता मंत्री रहे थे, बहुत अच्छा विकास पहले कर चुके हैं, अगले बार कुछ गलती किए थे जिसके चलते देव के जनता उन्हें हराया, लेकिन सुधार में आ गए हैं। और सबसे अहम बात है कि वो अपना घोषणा पत्र में देव की जनता को आश्वासन दिए हैं कि हम देव में अभी जीतते हैं तो मेडिकल कॉलेज हम देव को देंगे, इसके नाम पर भी वोट उनको मिल रहा है। और हम लोग शुरू से ही बीजेपी के हैं, मोदी जी के समर्थन में रहे हैं। तो आप लोग भी बीजेपी को ही वोट देंगे? जी। क्या नाम हुआ? मुकेश कुमार। किसको वोट देना है इस बार? भाजपा को। इतना अधभक्ति का ऐसा बोल रहा भाजपा को, कोई बहुत बढ़िया काम हुआ भाजपा को, इसलिए कि भाजपा जो है देश हित के लिए सोचती है, और हम लोग उसी को वोट देंगे जो कि देश का विकास करे। अच्छा छोड़िए यहाँ पे लोकल, आप एक बात बताइए, मुखिया जो है हमारे नीतीश कुमार, वो कैसा काम किए 15 साल? बहुत अच्छा काम किए 15 साल में, जो काम किए कोई ऐसा घर के लोग नहीं बोलेंगे कि उनका विकास का काम उनके घर में नहीं हुआ, चाहे वो साइकिल योजना का हो, पोशाक योजना का हो, या बिजली हो, रोड हो, मतलब सारा सुविधा, कोई ऐसा घर वाले नहीं बोलेंगे कि नीतीश सरकार का लाभ हमारे घर में नहीं हुआ। इसलिए नीतीश सरकार का नेतृत्व बहुत बढ़िया है, और उन्हीं के नेतृत्व में सरकार फिर से बने बिहार में, ऐसा हम लोग सोच के NDA को वोट करेंगे, भाजपा को वोट करेंगे। मतलब भाजपा NDA, मतलब NDA गठबंधन को आप वोट करेंगे और नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। दुर्गा पूजा का टाइम चल रहा है, छठवां दिन है, कोरोना के वजह से फीका पड़ चुका है, लेकिन रैली में 5 से 6 हज़ार लोग भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं, उस पर क्या बोलेंगे? देखिए वो तो ठीक है, ये बिहार है और भगवान भास्कर का नगरी है, खास करके देव के बारे में बोल रहे हैं, इनकी कृपा से हम लोग सुरक्षित हैं अभी तक। और रही बात लोग भीड़ लगा रहे हैं तो थोड़ा दूरी बना के रहना चाहिए कोरोना के चलते, ये तो आपस में हम लोग को सोचना चाहिए, नेता लोग तो बोल ही रहे हैं कि सोशल डिस्टेंस का पालन करिए, ठीक है अनाउंस होता है कि फलाना नेता आ रहे हैं फलाना नेता आ रहे हैं, लोग देखने के लिए उम्र भीड़ मतलब उम्र जाता है, लेकिन हम लोग को चाहिए अपना बचाव करने के लिए, अपना सुरक्षा अपने हाथ है,
तो इसमें मतलब इस बार का विधानसभा चुनाव हम लोग फिक्स समझे कि मतलब फिर भाजपा कोई वोट देव की जितनी भी जनता है सब आंख बंद करके भाजपा को वोट दे रही है, मतलब नीतीश कुमार एनडीए की सरकार जो है वो फिर से ये बनाना चाहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? संतोष कुमार जी। किसको वोट देना है? भाजपा को। भाजपा को ही क्यों, कारण क्या है? क्योंकि भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो विकास को लेकर के चल रही है। बाकी हमारे वर्तमान विधायक आनंद शंकर जो है वो पिछले 5 साल में हमारे औरंगाबाद विधानसभा में 122 गांव है, 122 गांव में बमुश्किल से 22 गांव के लोग ही उनको पहचानते हो, बाकी 100 गांव के लोग को अगर उनको खड़ा कर दिया जाए तो कोई भी पहचानने से मना कर देगा उनको, नहीं हमें मैं नहीं पहचानता। मतलब जनसंपर्क बिल्कुल है ही नहीं? बिल्कुल नहीं है। 5 साल में बोले तो कि 5 साल में यहाँ की जनता भी उनको ढंग से नहीं पहचानती है, देव की बात बता रहे हैं आपको। मतलब किसको, रामाधार सिंह को वोट देना है? एकदम जय रामाधार। जय रामाधार। आपका नाम? धीरज सोलंकी। क्या लग रहा है इस बार, क्या मूड है देव की जनता का? देव का जनता का औरंगाबाद विधानसभा पूरा रामाधारमय हो गया है, और इस बार नीतीश कुमार के और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो चुनाव लड़ा जा रहा है बिहार में, उसमें यहाँ से विधायक रामाधार सिंह जीत रहे हैं और बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। अच्छा, आप कह रहे हैं विकास हो रहा है बहुत ज़्यादा, इस बार का सबसे बड़ा मुद्दा यह रहा है कि जितने भी युवा हैं, आप मेजोरिटी की बात करिए, पूरे बिहार में जो युवा है वो इस बार आवाज़ उठा रहे हैं बेरोजगारी को लेकर के, कि सबसे ज़्यादा जो है वो बेरोजगारी बढ़ी। आप भी एक युवा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बेरोजगारी तो एक बड़ा मुद्दा है, और जो हम ये बिहार का बात करें केंद्र का नहीं, तो 15 साल में जो लालू जी के राज्य में जो स्थिति था उससे कहीं बेहतर काम किया है नीतीश कुमार ने, और विगत 5 वर्षों में हमारे विधायक थे आनंद शंकर जी, उनका कार्यकाल हम लोग देख चुके हैं, फेसबुक पे वो सोशल मीडिया पे बने रहने के लिए राजनीति किए हैं, बाकी कहीं क्षेत्र में जा करके ये कोरोना काल में भी फेसबुक पे सिर्फ लाइव आ करके और बोलने का काम किए, कहीं भी गरीब के गांव में जा करके मदद पहुंचाने का काम नहीं, राशन वाशन कुछ भी नहीं उनके द्वारा, कुछ भी नहीं। हम जैसे आम कार्यकर्ता, भाजपा के कार्यकर्ता हर एक गाँव पर जा करके और राशन पहुँचाने का काम किए। अच्छा, आप लोग कार्यकर्ता हैं, तभी सब भेजे, लोकल लोग कहाँ है भाई, कार्यकर्ता नहीं। क्या नाम हुआ आपका? रितेश कुमार नाम है। आप भी भाजपा? नहीं, भाजपा से यही का नागरिक है देव। नहीं, मतलब भाजपा को वोट देंगे? हाँ, भाजपा को ही वोट देंगे, क्योंकि नीतीश कुमार की सरकार जो पिछले 15 साल में जो काम की है उससे हम संतुष्ट हैं, और इस बार भी हम चाहेंगे कि नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में सरकार बने। और आप लोग इतना खुश हैं, सब लोग बहुत, नहीं आप लोग सब लोग इतना ज़्यादा मेजोरिटी में वोट देना चाह रहे हैं, अगर हम आपसे 3 बहुत बढ़िया काम पूछे नीतीश कुमार का, कि वो बिहार के लिए 3 बहुत बेहतरीन काम किए, तो वो कौन सा 3 काम? सड़क और शिक्षा। स्वास्थ्य अच्छा है? जी एकदम। कोरोना में देखा आपने? हाँ, आप मेरे यहाँ देखिए, महाराष्ट्र सबसे विकसित राज्य है हमारे भारत का, वहाँ पर कोरोना से अब तक लगभग लगता है कि 50,000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन बिहार में इस संख्या आपको 1,000 से पार नहीं किया है। और जहाँ तक आप जनसंख्या की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, तो जब तक NRC लागू नहीं होगा तब तक बेरोजगारी दूर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 3 शादी और 43 बच्चे वाला नियम है, वो चीज़ बंद होना चाहिए। तो NRC आने से ये खत्म हो जाएगा? एकदम खत्म होगा। मतलब कि बेरोजगारी होने की सबसे बड़ी जो समस्या है वो है जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन के ऊपर। क्या नाम हुआ आपका? धीरेंद्र कुमार से। हाँ, क्या नाम हुआ? धीरेंद्र कुमार से। किसको वोट देना है इस बार? बीजेपी को। बीजेपी को, कारण बताइएगा। हाँ, बताइए। बीजेपी का जो विधायक थे उस समय विकास हुआ, यहाँ से पिछले 5 साल में कांग्रेस के विधायक आनंद शंकर, विकास कहीं नहीं हुआ, 5 साल पहले जहाँ विकास था वहीं पर रुक गया। हाँ, तो मतलब आपको लग रहा है कि फिर अगर रामाधार सिंह मतलब हार गए थे, अगर इस बार फिर जीत जाते हैं तो फिर से विकास उकास होगा? पुनः रफ्तार पकड़ लेगा। अगर हम आपसे पूछे कि देव मंदिर के बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि देव मंदिर जो है वो बहुत ज्यादा फेमस है, लोग यहाँ छठ करने आते, थोड़ा सा फीका पड़ गया है दुर्गा पूजा का माहौल, हो छठ में क्या लगता है, स्थिति सुधर जाएगा, लोग वैसे ही उमड़ेंगे हजारों की संख्या में? देखिए, जिस दिन ये निर्णय हो जाएगा कि लॉकडाउन समाप्त कर दिया गया है और सारे जो बड़ा बड़ा धार्मिक जो आयोजन है वो पुनः शुरू हो जाएगा, तो फिर छठ मेला में पुनः देव का स्थिति वही होगा। हाँ, यहाँ भीड़ लाखों की संख्या में जुटती है, यह आस्था का महापर्व है, और पूरा देश में जो है ये सूर्य भगवान का, देव का पहला मंदिर है कि जहाँ साक्षात देव भगवान का पूजा होता है जी। तो
अगर मान लीजिए कि इस बार का चुनाव में अगर हम देव की जनता से बात करें तो सब भाजपा को वोट दे रही है, भाजपा के कितने नेता, मतलब अगर रामाधार सिंह की बात करें तो अब तक वो कितनी बार आ चुके हैं आप लोगों से जनसंपर्क करने यहाँ पर? अब बराबर आ रहे हैं, आ रहे हैं। हाँ, बात कर रहे हैं, समस्या पूछ रहे हैं जी, बात बात करके समस्या पूछ रहे हैं? नहीं नहीं, समस्या नहीं पूछ रहे हैं, वो लोग तो जनता में काफी रिस्पॉन्स है और अच्छा उनका समर्थन मिल रहा, और बल्कि जनता यह कह रही है कि हम लोग जो आपको हराए यह हम लोग का भूल था और पुनः अपना भूल को सुधारना चाहते हैं, और जो रफ्तार के गति आपने जो दिया 2010 से 15 तक, और जहां रफ्तार फिर विकास का रफ्तार रुक गया है, पुनः आपके रहते ही चालू होगा। एक और आपको बात मैं मैडम बता देना चाहता हूं कि देव का जनता इसलिए भी बीजेपी को और रामाधार सिंह को वोट करना चाहती है कि चूँकि यहाँ पर मेडिकल कॉलेज औरंगाबाद जिला में 6 महीना साल भर से जो है ये कि यहाँ पर मेडिकल कॉलेज बनना है, और इसके लेकर के जनता जो है से कि बहुत से कभी देव कभी मदनपुर कभी उधर नवीनगर का चर्चा हो रहा था, तो अभी सुशील मोदी जी पिछले दिन यहाँ पर आए थे तो मन से घोषणा किए कि अगर आप आधार जी चुनाव जीतते हैं तो मेडिकल कॉलेज है देव के पतलगंगा में बनेगा, और देव के पतलगंगा में अगर मेडिकल कॉलेज बन जाता है तो देव तो पूरा जिला ऐसे भी देव के नाम से विख्यात है, और मेडिकल कॉलेज बन जाने के बाद में और देव में 4 चांद लग जाएगा, यहाँ के युवाओं के लिए अच्छा हो जाएगा। तो इसका काफ़ी रिस्पांस भी जनता में है। हाँ, और जनता यह देख रही है कि रामाधार सिंह जी जीतेंगे तभी जो है सके मेडिकल कॉलेज पतलगंगा में बनेगा, मतलब यहाँ से रामाधार सिंह जीत रहे हैं। रामाधार सिंह ऐसे विधायक है जो जब विधायक नहीं थे उसके बाद भी उनके दरवाजे पर कोई चले जाए अपने पर्सनल समस्या को लेकर के तो 10 मिनट हम उसका दावा करें 10 मिनट के अंदर उस समस्या को दूर किया गया है, ऐसे विधायक हमारे रामाधार सिंह की, इसलिए हम हमेशा अपने दिल से बोलते हैं जय रामाधार जय रामाधार। तो ये देव की जनता थी, ये लोग खासा एक्साइटेड है विधानसभा चुनाव को लेकर के, और यहाँ पे आपने सुना रामाधार सिंह की तारीफ़ की जा रही है, भाजपा की तारीफ़ की जा रही है, अच्छा काम हुआ है, नीतीश कुमार की तारीफ़ हो रही है कि उनके 15 साल के कार्यकाल में अच्छा काम किया है एनडीए गठबंधन ने। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इस साल के विधानसभा चुनाव में किसकी जीत होती है। यहाँ पर माहौल दुर्गा पूजा का है, आज 6वां दिन है, लेकिन फिर वही बात कि कोरोना को लेकर के ये उत्सव थोड़ा ठीका पड़ गया है। बहरहाल इस तरह की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।